और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की चार बड़ी खबरों की तस्वीरों से। दरअसल आज पॉलिटिक्स का सुपर सैटरडे है। सियासी घटनाक्रम को देखते हुए शनिवार का दिन कुछ खास रहा। एक ओर जहां बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो वहीं दूसरी ओर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के इस मैनिफेस्टो को झूठा बताया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा की राजधानी पणजी में कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं पंजाब में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी बादल सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। तो यूपी के लिए बीजेपी ने आज अपने मैनिफेस्टो का ऐलान किया और इस घोषणा पत्र में संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनवाने का वादा किया गया। इसके अलावा लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिल से लेकर मुफ्त लैपटॉप और किसानों के लिए बीमा से लेकर सस्ती बिजली तक का भी वादा किया गया। पार्टी ने कहा कि इसे घोषणा पत्र ना कहा जाए बल्कि ये हमारा संकल्प पत्र है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो का ऐलान कर दिया। इस घोषणा पत्र में एक से बढ़कर एक लोक लुभाने वादों की झड़ी लग गई। लखनऊ में घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसे पार्टी का संकल्प पत्र बताया। पिछले करीब 15 सालों से यूपी की सत्ता से दूर रहने वाली बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में विकास और कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने का वादा किया, साथ ही संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनवाने का ऐलान किया। कृषि विकास का बने आधार, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, हर युवा को मिलेगा रोजगार, गरीबी से मुक्ति का सपना साकार, शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता का विस्तार, बुनियादी विकास मजबूत आधार, विकसित उद्योग, सुगम व्यापार, सशक्त नारी, समान अधिकार, स्वस्थ हो हर घर हर परिवार। संवैधानिक तरीकों से जल्द राम मंदिर बने इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। अब आइए जरा बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में किए गए खास वादों पर नजर डालते हैं। सरकार बनने पर 5 साल में यूपी को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का दावा, संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनवाने का दावा, यूपी में 70 लाख रोजगार देने का वादा, पुलिस के 1.5 लाख खाली पदों को भरा जाएगा, सरकार बनने के 45 दिनों के अंदर ही सभी फरार अपराधियों को जेल भेजा जाएगा, यूपी के हर जिले में 3 महिला पुलिस थाने बनेंगे, महिलाओं के लिए 100 फास्टैग कोर्ट बनेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स बनेगी, एफआईआर दर्ज करते समय भेदभाव नहीं होगा, यूपी को 24 घंटे बिजली देने का वादा, यूपी में 25 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, 6 नए एम्स अस्पताल खोले जाएंगे, लड़कियों को ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा, लड़कों को 12वीं तक फ्री शिक्षा, लखनऊ नोएडा मेट्रो का विस्तार होगा, कानपुर गोरखपुर में मेट्रो लाई जाएगी, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 150 करोड़ का फंड, किसानों को पूरा कर्ज माफ किया जाएगा, किसानों को देने वाले लोन पर ब्याज नहीं लगेगा, भूमिहीन मजदूरों का 2 लाख तक का बीमा। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर अमित शाह के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। अब देखना यह होगा कि अगर यूपी में बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई तो अपने कितने वादों पर कितनी खरी उतरेगी। लखनऊ से आसिफ कुणाल के साथ विवेक तिवारी, इंडिया 24/7। और आइए सुनते हैं मैनिफेस्टो से जुड़े बीजेपी के कुछ और खास वादे। सभी नागरिकों का एफआईआर, सभी नागरिकों का एफआईआर धर्म और जाति के भेदभाव के बगैर सुनिश्चित किया जाएगा। जो पत्रकार दिल्ली से आए हो शायद उनको लगेगा कि इसमें क्या नई बात है। आप देवरिया नहीं गए, सलेमपुर नहीं गए, आप रॉबर्ट्सगंज नहीं गए, थाने में जाते ही पूछते हैं कौन जाति है कौन धर्म है, अगर अनुकूलता है तो ही प्राथमिकी दर्ज होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरेक नागरिक की प्राथमिकी 24 घंटे में दर्ज करने की एक तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। मित्रों, जेलों का आधुनिकरण करके अंदर से गैंग चलाने वाले सभी गुंडों पर नकेल कसती जाएगी। जो लगभग 40,000 से ज्यादा अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर पैरों और फलों को कुदाकर
बाहर घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, हम 45 दिनों के अंदर ही सभी फरार अपराधियों को फिर से एक बार जेलों के अंदर बंद करने के लिए एक कार्यबल का घोषणा करेंगे। 100 हेल्पलाइन जो है उसको घोषणा तो कर दिया कॉस्मेटिक तरीके से, मगर मैं कहना चाहता हूं मऊ के एक गांव में से अगर कोई 100 नंबर का डायल करता है तो 2.5 घंटे तक कोई आने वाला नहीं। ये 100 नंबर की व्यवस्था जो अभी बनाई है डायल 100, इसको हम अपग्रेड करेंगे और कहीं पर भी 15 मिनट के अंदर पुलिस सहायता पूरे प्रदेश के अंदर उपलब्ध हो इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बेटी के जन्म लेते ही 5,000 रुपये की सहायता की जाएगी। 3 नई महिला पुलिस बटालियन बनाई जाएगी, अवंतीबाई बटालियन, झलकारी बाई बटालियन और उदा देवी बटालियन। ये 3 बटालियनों के माध्यम से महिला सुरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। महिला उत्पीड़न के मामलों में 1,000 महिला अफसरों का विशेष जांच दल हर जिले में तैनात हो इस तरह से बनाया जाएगा और 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट महिला उत्पीड़न के मामलों के निपटारे के लिए बनाया जाएगा। प्रदेश के हर जिले में 3 महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। हर कॉलेज के नजदीक छात्राओं को अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक से कर पाए इसके लिए एंटी रोमियो दल बनाए जाएंगे। विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1,000 की जाएगी। विधवा पेंशन के लिए उम्र की जो सीमा है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और बीजेपी के मैनिफेस्टो पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि संकल्प पत्र से यह साफ हो गया है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हर तबके के लोगों का बिना भेदभाव के विकास होगा। उनसे बात की जी रीजनल्स के पॉलिटिकल एडिटर आसित कुणाल ने। पीयूष गोयल जी जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। आज जो घोषणा पत्र जारी की गई है पीयूष जी, आज जो घोषणा पत्र जारी किया गया है जो सबसे पहले देखने में लगता है काफ़ी लोडेड है। आपने एक तरीके से झड़ी लगा दी है तमाम घोषणाओं की और ऐसा लग रहा था अमित शाह जी को पसीने आ रहे थे जब वो बैठे थे पहुँच रहे थे। कुणाल भाई, ये ऐसा है कि बहुत सोच समझ के बनाया हुआ एक संकल्प है। इसके पीछे हमने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से चर्चा की, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सर्वे टीम्स प्रदेश में लगभग 29 लाख लोगों तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश की मन की बात को देखते हुए, सुनते हुए ये घोषणा पत्र में ये संकल्प लिया है हमने और एक एक बिंदु में हमने बहुत गहराई से देखा है कैसे इसको कार्यान्वित किया जाएगा। अध्यक्ष जी ने बताया कि 10 दिन के भीतर इसका पूरा ब्यौरा भी सामने रखा जाएगा, किस योजना में कितना पैसे की लागत लगेगी। और एक समाज में हर व्यक्ति को जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर संपूर्ण व्यक्ति का, समाज का, परिवार का विकास हो, इस प्रकार की कोशिश और इस प्रकार का प्रतिबद्धता से हम इस चुनाव में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश का हर नागरिक इस संकल्प पत्र से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को इस संकल्प पत्र में एक उज्जवल भविष्य दिखेगा। पीयूष जी, एक जो डायलमा बीजेपी का रहता है डेवलपमेंट वर्सेस हिंदुत्व का, थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा था, आपने हल्का हल्का टच किया है हिंदुत्व के मुद्दे को। आप ट्रिपल तलाक की बात देखिए, एक्सोडस की बात हो, जो पलायन हो रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, या फिर राम मंदिर की बात हो, कहीं ना कहीं हल्का हल्का जिक्र आपने हर जगह कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो एक मुद्दा विकास की बात आप करते हैं वो कहीं पीछे तो नहीं चला जाता इस पूरे। कुणाल जी, दुर्भाग्य से आज कुछ भी बात करो जो देश हित में है और समाज हित में है तो उसको धर्म का रूप दे दिया जाता है। अब राम मंदिर देश के करोड़ों भारतवासियों की आस्था का सवाल है। हमने जो 2014 के घोषणा पत्र में लिखा था उसको 2017 में पुनः दोहराया है कि हम अदालत का सम्मान करते हैं और एक संवैधानिक प्रक्रिया से हम चाहते हैं कि इस देश में राम मंदिर बने और जनता की भावनाओं का आदर सम्मान हो। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, ये लोगों के आस्था की बात है। आज ट्रिपल तलाक की बात अध्यक्ष जी ने बताई और संकल्प पत्र में रखी गई है, क्या इस प्रदेश की जो एक वर्ग की महिलाएं हैं उनका सम्मान हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, ये इस देश की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? क्या ये पूरे समाज की और हम सबकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? लेकिन फिर भी हमने विषय रखा है कि हम उस धर्म के महिलाओं से चर्चा करके उनके सम्मान और उनके इच्छा अनुसार
ट्रिपल तलाक पे प्रदेश की आने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार अदालत में अपनी बात रखेगी। मैं समझता हूँ इस देश की हर महिला को ये अधिकार है कि उसका सम्मान हो। दुर्भाग्य से अगर किसी की शादी टूट जाती है तो ये ना हो कि कोई एक व्यक्ति तीन शब्द बोल के उस महिला का अपमान करे, उस महिला का भविष्य बिगड़ जाए, उस महिला का देखरेख ना हो, उस महिला अपने बच्चे की देखरेख ना कर पाए। लेकिन फिर भी हमने कहा है कि हम पूरे समाज में महिलाओं से चर्चा करके उसमें प्रदेश की राय अदालत तक रखेंगे। हमने आखिर अवैध जो कतलखाने हैं उनको बंद करने की बात की है, इसमें धर्म कहाँ से आता है? क्या कोई भी इस देश में और इस प्रदेश में चाहता है कि अवैध कतलखानों को प्रोत्साहन दिया जाए? लेकिन 15 वर्ष से यहाँ पे चाहे वो बसपा की सरकार हो मायावती जी के नेतृत्व में, चाहे सपा की सरकार हो अखिलेश जी के नेतृत्व में, दोनों ने एकदम असफलता दिखाई है इस पर कुछ कार्रवाई करने में। अवैध माइनिंग हो रहा है, खनन हो रहा है इस प्रदेश में, लाखों करोड़ का गफन हुआ है, चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। इन सब चीज़ों को अगर ख़त्म कर सकते हैं, अगर गुंडा राज इस प्रदेश का कोई ख़त्म कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार और एक बड़ी कठोर सरकार जो इस प्रदेश के जनता के हित में काम करे और सभी गुंडाओं को, सभी गलत काम करने वालों को जेलों के सराकों के पीछे डाले। एक बड़ा सवाल पीयूष जी, जो उत्तर प्रदेश में लोग पूछ रहे हैं कि टीम बनी हुई है और रणनीति भी तैयार है, कैप्टन नहीं है, तो फिर कैसे ये मैच खेलने आप जाएंगे? इतने योजनाओं की घोषणा आपने कर दी, उम्मीदवार बांट दिए, मगर ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, जबकि सामने आपके दो बड़े मायावती और अखिलेश यादव जैसे सीएम कैंडिडेट्स हैं, तो फिर आपको लगता है एक डिसएडवांटेज है आपके साथ? अब वो बड़े हैं या छोटे, वो तो जनता ने 2014 के चुनाव में सभी को अपना अपनी जगह बता दी। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 73 सीटें दी 80 में से। एक बड़े नेता जिनका आपने जिक्र किया, उनको तो शून्य पे छोड़ दिया। दूसरे बड़े नेता का मात्र एक परिवार ही रह गया है, बाकी तो सब साफ है। तो एक प्रकार से आज बाकी सभी पार्टीज बेसलेस हो गई हैं। चलिए, तो बीजेपी ने अपनी पूरी बात कह दी, लेकिन अब बीजेपी के इस मैनिफेस्टो पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आईं और एसपी नेता राजेंद्र चौधरी ने क्या प्रतिक्रिया दी, क्या कहा उन्होंने, ये सुनते हैं। कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, क्या ये जो घोषणा वो कर रहे हैं उन राज्यों में ये लागू हो गई है? वहां तो तीन तीन बार इनके मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, किसको ये धोखा देना चाहते हैं? भारतीय संविधान के खिलाफ ये बात बोल रहे हैं, राम मंदिर की बात जो कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद का विध्वंस का मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। समाजवादी पार्टी की सरकार 5 वर्ष से श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जनता के लिए काम कर रही है, इसलिए भाजपा का धोखा उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकता, उत्तर प्रदेश गुजरात नहीं बन सकता, ये भाजपा को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। मायावती ने बीजेपी के घोषणा पत्र को खोखला बताते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा जनता को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो आज तक अधूरे हैं। उन्होंने नोटबंदी पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बिना तैयारी के ही नोटबंदी के फैसले को लागू किया गया। घोषणा पत्र कहें या संकल्प पत्र, ये सब अपनी जगह है बीजेपी की, पर यूपी बीजेपी में टिकट पर टकराव अभी जारी है। टिकट बंटवारे से नाराज दो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो आज लखनऊ में पार्टी दफ्तर पर आत्मदाह तक की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जमकर हंगामा किया। यहां बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर टिकट कटने से नाराज दो कार्यकर्ताओं ने आत्मदाह की कोशिश की। ये दोनों कार्यकर्ता गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा से राम प्रताप सिंह के समर्थन में यहां आए थे और नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। फिलहाल दोनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने और जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है।
हम लोग जो जहूराबाद विधानसभा में गठबंधन हुआ है ओम प्रकाश राजभर का, इसका विरोध करने हम लोग आए हैं। ये गठबंधन नहीं चलेगा भैया, हम लोग जाने वाले नहीं है। हम लोग विधानसभा के सामने आग्रह भी करेंगे। गाजीपुर। उधर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली। टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ता बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की गाड़ी के आगे लेट गए। किसी तरह से कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया गया, जिसके बाद अमित शाह लखनऊ एयरपोर्ट से अपने कार्यक्रम स्थल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की ओर रवाना हुए। बीजेपी में टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ताओं का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को वाराणसी में कार्यकर्ताओं को मनाने गए केशव प्रसाद मौर्य को ऐसे ही गुस्से का सामना करना पड़ा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अपने कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए बीजेपी क्या नया मंत्र फूकेगी। लखनऊ से विवेक तिवारी के साथ नीरज मिश्रा, इंडिया 24/7।